जो गुण हमें दूसरों में दिख रहे और दूसरों की तरफ आकर्षित करते, क्यों आकर्षित करते? कोई बहुत मौन में रहता है, शांत रहता है, नीचे देखकर चलता है, एकदम ऐसा योगी हमको आकर्षित करता है। कोई बहुत कम बोलता है, हमें वही आकर्षित करता है जो हम में कमी है। परंतु वो गुण वास्तव में हमारे अंदर है, वो हमारे ही भीतर है, हमें उसे मैनिफेस्ट उघाड़ना है, बाहर निकालना है, प्रगटीकरण करना है। परंतु उसके लिए फिर से एक ही विधि है, भीतर को जाओ, अंदर, अंदर की यात्रा। अगले 2-3 दिनों में अमृत वेला और एक काम करना है, बचपन से लेकर अब तक क्या क्या जीवन में हुआ वो सारी हिस्ट्री को रिवाइज करना है अमृत वेला। एक एक घटना को देखना है, कौन से हर्ट, कौन से ट्रॉमा, कौन सी मुसीबतें, विघ्न आए ज्ञान में आने के बाद, परिवार के द्वारा क्या क्या विघ्न आए और बाबा ने कहाँ कहाँ कैसे कैसे मदद की, वो सब कुछ देखना है। और कौन से अंदर ऐसे इमोशन से अनहील्ड पड़े हुए अंदर, इसलिए ये भट्टी एक ऑपरेशन है, बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक, चीरा यहां लगाना है आत्मा पर, क्योंकि पता नहीं अंदर से क्या निकलेगा। किसी के प्रति घृणा है, किसी के प्रति नफरत है, कोई काम का अंश वहां बैठा हुआ है, किसी भोग का संस्कार है, किसी भोग की स्मृति है जो बार बार ऊपर उठती है, कोई एडिक्शन है जो निकल नहीं रहा है, कोई झूठ है जो हमने अंदर दबा के रखा है, जो किसी से आज तक शेयर नहीं किया और डर लगता है, कोई ऐसा सत्य है, नेक्स्ट संडे की मुरली सत्य असत्य पर है, कोई ऐसा असत्य है जो हमने छिपा के रखा है। सोचो, इस भट्टी में आए हैं, पूरा स्वच्छ होकर ही जाना है। इसके लिए मौन हो जाओ, अकेले हो जाओ और चुप हो जाओ। अगर बोलना भी पड़े, बाबा कहते हैं बाह्य मुक्त, अंतर्मुखी होकर बाह्य मुक्ता में आओ, फिर बिंदु पर केंद्रित रहे, परिधि पर नहीं डोलना है। जॉइन पावर ऑफ सकाश, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए Power of Sakash YouTube channel and press bell icon ईश्वरीय महावाक्यों के लिए, महारथियों की powerful class और commentary सुनने के लिए। ओम शांति।